कोई नहीं है, मेरा बेटा उटा सब छोड़ छाड़ के चला गया है। आजकल ऑनलाइन भी पेमेंट, ऑनलाइन हम नहीं करते, हमको नहीं आता है सब चीज ऑनलाइन। अब करो तो गुड मॉर्निंग हैं बाबू को ना, गुड मॉर्निंग नहीं होगा, गुड आफ्टरनून होगा। गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे, मजे में होंगे और मस्त होंगे। और आज सिन्हा जी फ्रॉड से बच गए हैं। सिन्हा जी क्यों बचेंगे? सिन्हा जी के पास कॉल थोड़ी आया था। सिन्हाइन सीमा जी के पास आया, सिन्हाइन बच गई। मैम लेकिन हमें अप्रूवल लेना है। अगर मान लीजिए आप 8,000 पेमेंट कर रही है, अगर आपका लोन क्लोज नहीं होगा तो फिर आप बोलेंगे ना कि 8,000 पेमेंट करवा दिया है, अभी तक क्लोज भी नहीं हुआ। क्लोज हो जाएगा, बिल्कुल आपका एनओसी मिल जाएगा आपको इसके लिए। कहाँ से एनओसी मिलेगा? वहीं से डायरेक्टली आपको मेल पे भी आ जाएगा, आप ब्रांच पे मिल सकता है। रास्ता कहाँ से? मेल पे आ जाएगा नहीं, हार्ड कॉपी हमको अगर लेना चाहे तो जो मेल पे आपको एक पीडीएफ में आता है। अभी क्या होता है कि डिजिटलाइज सब चीज हो गया है, तो डिजिटली वे में आपको क्या आएगा, पीडीएफ में आएगा। हार्ड कॉपी आपको चाहिए तो आप डायरेक्टली कोई भी प्रिंट आउट की शॉप जा सकते हो, वहाँ से प्रिंट आउट आपको अवेलेबल रहता है पीडीएफ वाला। मैम अभी सब चीज डिजिटल हो गया मैम। अभी आप ब्रांच में भी जाएंगे, हार्ड कॉपी ओपी देते हैं तो उनको भी पीडीएफ भी आता है फाइल। वो क्या करते हैं पीडीएफ फाइल को प्रिंट आउट करते हैं। कितना दिन का टाइम मिल रहा है? इसी वीक तक अगर आप करेंगे तो ही मैं 8,000 में कर पाऊंगा, और कम नहीं होगा अभी। थोड़ा सा और कम करवा दीजिए ना, हम मेरे एंड से जो हुआ है मैं आपको बता दिया ना, थोड़ा सा तो और कम होगा। नहीं बोला तो मैं आपको क्यों बोलता, मैं लास्ट अमाउंट आपको बता रहा हूँ। और फिर बाद में नहीं ना होगा कि नहीं देना होगा हमको, हमारे सिविल में दिखाई देगा। मैं लेटर दे रहा हूँ, ऐसा नहीं है ना। देखिए मैं बताता हूँ आपको, ये रिटर्न करेंगे तो आपसे रिटर्न करके दीजिएगा, लेकिन उसके लिए आपको एनओसी रहेगा, एनओसी आपके पास रहेगा। और हम जाके ब्रांच में जमा कर दें हम तो चलेगा ना? आप कहीं भी जमा कर सकते हैं, ब्रांच पे भी जमा कर सकती हैं, या फिर आजकल ऑनलाइन भी पेमेंट। ऑनलाइन हम नहीं करते, हमको नहीं आता है सब चीज ऑनलाइन। ऑनलाइन अगर नहीं आता तो मैं गाइड कर दूंगा। नहीं नहीं नहीं, मैं ब्रांच में ही जाके कराएंगे, ब्रांच में ही कराएंगे जाके। लोन भी है, लोन नंबर में आपको पेमेंट करना है, आप कहीं लोन नंबर अभी भेजिएगा तो कर दीजिए। ठीक है, क्या करेंगे अब, एक महीना भूखे ही रहेंगे। टाइम चाहिए। अच्छा, अप्रूवल हो जाएगा ना? बिल्कुल मैम, उसके लिए आप चिंता मत करें। हाँ तो ठीक है, कर दीजिए। पेमेंट का डेट क्या दे रहा है मैम? आज का तारीख हो गया, वही 8-9 तारीख तक ले। 8-9 तो मैम आपका दूसरा वीक चला जाएगा। हाँ तो कई तारीख तक ले बोलिए? मैं इस वीक में बोल रहा हूँ, सैटरडे तक आपको करना पड़ेगा। इस वीक सैटरडे आज कौन, तो ये वीक कहाँ हुआ? आज थर्सडे ही है, फ्राइडे सैटरडे। मंडे का करिए, मंडे ट्यूसडे का, ट्यूसडे उसडे का। हाँ ट्यूसडे उसडे का कीजिए, ट्यूसडे का कर दीजिए। नहीं नहीं, हाँ ट्यूसडे का कर दीजिए, कोई बात नहीं कर दीजिए, देखते हैं। अच्छा कोई नहीं, कर दीजिए। तो मैं बोली डेट में डाल दूंगा ट्यूजडे का। हाँ। लेकिन आपको 100% हो जाएगा ना, तो ही मैनेज करूंगा। जामताड़ा गैंग वालों का फोन आया था। जामताड़ा गैंग, नवादा गैंग वालों का फोन आया था कि आपका लोन चल रहा है 56,000 की, कितना बाकी है, 8,000 में सेटल कर देंगे। 56,000 अच्छा, 26,000 से सीधा 8,000 से। पहले हाफ बोला तो हम बोले कि भाई इतना हम नहीं कर सकते हैं, तो उस पे बोला कि अच्छा हमको, हमसे जितना हो सकेगा हम कर देंगे। हमने आपसे तो जब बहुत कुछ हो सकता है, और फिर उसके बाद कहीं नहीं शो कर रहा है। हाँ, कहीं शो नहीं कर रहा है कि लोन लिए हैं। पापा, तो अभी देख रहा है, शुभम देख रहा है मेरा, सब चेक कर रहा है। मैं ली हुई थी लोन, लेकिन सब क्लियर हो चुका है मेरा, और अभी देखूंगी मैं, अब क्रॉस चेक करूंगी जरूर कि ICICI बैंक का जाके कि लिए हैं कि नहीं। लिए थे लेकिन हम पे कर दिए थे, लेकिन अब चलिए कोई बात नहीं, आया है तो देखते हैं जाके। बैंक ज्यादा दूर भी नहीं है, घर से पास में ही है। बात
ऐसे कर रहा था ना जैसे कि एकदम कि बैंक से बोल रहे हैं और पूरा नाम उन तो खैर सब सही बोल रहा था कि आप इतना इतना लोन ली हैं, ये है वो है और इसका इतना 26,000 कुछ है। तो हम बोले कि भाई हम इतना तो दे नहीं सकते, हम एक मैंने अनएम्प्लॉयड और 60 ईयर्स के हो गए और हमारे पास कोई स्रोत नहीं है, मैं अपना सब कुछ बताई। तो उसके बाद बोल रहा है ठीक है मैं 8,000 पे कर दे रहा हूँ, उसका आधा 26,000 का आधा 13,000 कुछ होगा। तो हम बोले कि हम इतना भी नहीं कर सकते हैं। तो बोलता है कि अच्छा कोई बात नहीं है। इतना जल्दी जल्दी मैंने रिड्यूस हो रहा था कि फिर उसके बाद बोल रहा है कि ठीक है कोई बात नहीं, लास्ट 8,000 हम कर देते हैं, आपको एक कोड भेजेंगे, वो कोड बता दीजिएगा। तो हम बोले कि अच्छा ठीक है। तो हम बोले कि चलो थोड़ी देर के बाद फोन करना। फिर शुभम आ गया बीच में, हम बोले शुभम को बुलाया, सिन्हा जी को बुलाया, हम उसको बोले कि कोई नहीं है, मेरा बेटा वोटा सब छोड़ छाड़ के चला गया है, कोई नहीं है हमारे पास, हम क्या करें, हमको बच्चे दोनों बच्चे छोड़ दिए, किराए के मकान में रहती, मैंने झूठ बोले काफी। तो उसके बाद वही बोला कि चलिए कोई बात नहीं, हम इतने पे कर देते हैं। खैर उसके बाद वो बोला कि हम आप अप्रूवल दीजिए, तो हम कोड भेज रहे हैं, वो कोड आप बता दीजिए तो हम उसको अप्रूव्ड कर देते हैं। तो हम शुभम को बुला लिए थे, तो शुभम बोला मत करना मम्मी, तो हम ऐसे भी कोड का नाम सुनते ही हम घबरा जाते हैं भाई। तो हम एक बार हो चुका है हमारे साथ 30,000 का, तो हम नहीं किए हैं अभी कोड नाम। लगा अच्छा थोड़ी देर के बाद फोन कीजिएगा, वो थोड़ा देर नहीं आया। हाँ आप लोग भी सतर्क रहिएगा, आज फिर मेरे साथ फ्रॉड हो जाता। हालांकि कुछ नहीं है अकाउंट में पैसे उतने, लेकिन फिर भी जो भी रहता वो भी चला जाता। ऐसे मत कीजिए कोई कोड मांगे चाहे कुछ भी, आजकल डिलीवरी बॉय लोग भी कोड मांगते हैं कि आप कैंसिल कर दिए तो उसका कोड दीजिए, तो वो चीज नहीं कीजिएगा आप लोग। और हाथ दुखा गया इतने देर में मेरा। डिलीवरी बॉय कैंसिल का कोड मांगे तो मत दीजिएगा। हाँ मत दीजिएगा, देखिएगा कि आप वो चीज किए हैं कि नहीं ऑर्डर, क्या कि होता है ना। शुभम देख रहा है पूरा चेक कर रहा है क्या है क्या नहीं है करके। मैं ऐसे भी मैं बैंक जाऊंगी, मेन ब्रांच में जाऊंगी, मैं जाके पता करूंगी सब बात। अच्छा दादी को छुला ले क्या बेटा, पारी कर लो, पारी कर लो थोड़ा सा दादी को। अले बाले अले बाले पकड़ के खींच रही है, खींच रही है, लेकिन का क्या वैसे करके सो। डर नाम का कोई चीज ही नहीं है। कान के अंदर क्यों कर रहे हो पापा की चीज, थोड़ा सा दूर होके हो जाओ, दूर दूर होके दूर। देख रही है उधर सीखना जाए लोग, लोग कैमरा में आने के लिए क्या नहीं करता है, लोग कैमरा में आने के लिए क्या नहीं करता है, सरकते जाता है धीरे 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 धीरे। अशुभम अच्छा मैं समझ गया। आओ ना पापा का आज सबुन का छुट्टी है। हाँ चूल्हा है वो गरम रहता है ना। हाँ जल्दी से खाना बन जाएगा, मैगी बन जाएगा, मैगी। हाँ चलाओ चलाओ असल गरम रहता है ना माथा तुम्हारा, इसीलिए सब्जी बना रही है। हल्दी कहते हैं मुंह दबा के हल्दी है। अच्छा कर गया। अपने माथा पर रख पाना सुबह। अरे वाह अरे वाह दो हल्दी में पहनने के लिए अभी से जल्दी है। मीशो से
मीशो छोटा है मगर नहीं भाई ठीक है छोड़ो ना वो पहन लेगी अपना नहीं ठीक है ये भी ठीक है पहन लेगी वो अपना उसको दे दो आप उठा लो बेटा उठाओ गुड्डू देखो भाई शर्माती है शर्माती है सगुन का जिस दिन आया था उस दिन बाप रे माय गॉड इतना गिराई गिराई तीन चार बार मेरा कपड़ा गिराई खराब हो जाएगा बेटा के देखने दोगी नहीं तो पहनाओ उसको आप पहना के दिखाओ हाँ डिजाइन में अंतर है मांगो दादी से बोलो पहना है अरे वाह नहीं पहनेगी दुपट्टा नहीं पहनेगी अब दादी माँ दिख रही है इसकी भाई सुंदर लग रहा है अच्छा लग रहा है अच्छा लग रहा है अरे बाप ले बाप क्या तो मुंह उठा रही है रुको 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 पापा आओ पापा लड्डू लाना उठाना भी जान रही है वो ग्रीन बटन से उठाना होता है काटना होता है बीच वाला से हाँ वो टच कर रही है ग्रीन वाले को उठाने वाले को हेलो हेलो उठा ली उठा भी ली इसको भी आ गया चक्कर बैठ हटा दो बैठ करो उधर वो भी थक गई दूसरी बात नहीं हुआ वो कर रही है अभी भी देख रही है शुभम को शुभम करे शगुन मम्मी करती है कि नहीं शगुन आराम से माँ नहीं गिर सकती माँ आप भी करो पकड़ के बैठा रही है करो करो दादी बेटा दादी को नहीं दादी को कल खाना बनाना पार्टी का और करो भाई क्या खा के पैदा हुई है कि पहले एक वो हम अकेले थे औरत घर में उसके बाद सगुन आई फिर तो हुआ हो गई अभी तो दो तीन और आने हैं वो भी तक गई अब आप भी बैठो अब आपको भी बैठा के मानेगी आए भाई ना और करो करो अच्छा करो अरे वाह मेरे पास नहीं अभी बताएगी अभी पड़े तो होने दो हालत पतला कर देगी सबका लगता है कि डॉक्टर ने फाइबर से खाई है और करो और चलो रील बनाते हैं अभी मम्मी को भी उठाओ मम्मी को उठाओ दादी को उठाओ दादी को उठाओ हाँ करो एक्सरसाइज चलो मम्मी और बेटी बस शगुन बस तबीयत खराब हो जाएगी वो तो बच्चा है अब करो अरे बाप रे बाप मजा आ गया लेके आओ ड्रम लेके आओ दो
अच्छा अच्छा क्या लेके जा रहे हो भाई? अरे वाह नाश्ता, इसका नाखून काट दो पहले, सारा उधर से उठा के ले आई पिरामिड वाला खेलने के लिए। चार खा गई सारा, मतलब पहले रिद्धि के साथ एक्सरसाइज और उसके बाद हलवा, वो भी अचार के साथ आम का अचार। कौन कौन खाता है कमेंट में बताइएगा। मैं हलवा के साथ अचार खाती हूँ, मिर्ची का अचार। वहाँ पे बेटी हूँ मिक्सर खा रही है। सबको खूब एक्सरसाइज करवाने के बाद में देख लीजिए। अच्छा तुम भी हलवा खा रही हो? हलवा नहीं टच कर रही है, वो सिर्फ मिक्सर खा रही है। अच्छा नहीं खाई? तो बेसन का आप लोगों ने बनाया ही नहीं, मैं बोला था बेसन का बनाने के लिए, बेसन नहीं था। ये देखिए ये टेबल क्लॉथ मैं मंगवाई हुई थी, बहुत ही अच्छा और बहुत ही रिजनेबल रेट में। हालांकि पर्दे के हिसाब से कलर कॉम्बिनेशन नहीं है, मैं कलर कॉम्बिनेशन दे के नहीं मंगवाई, मैं इसी तरह मंगवा ली कि थोड़ा सा साफ लगे, वो पुराना वाला फट चुका था। और देखे कि आज क्या सगुन खाना बनाई है, थोड़ा सा इतना ना हलवा खिला दी है, चावल आलू का भुजिया और दाल, चावल दाल आलू का भुजिया बना है। एक्चुअल में सब्जी ये लोग लाते हैं जहाँ से, वहाँ जा नहीं पाए, बारिश हो रही थी, तो इसीलिए आजकल आलू के भुजिया पर जोर चला हुआ है काफी। तो इसी के साथ आज ये वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और चैनल भी।